नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया है और इस मौसम में छोले का मज़ा का क्या कहना है। आज मैं छोले बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन खाने में मज़ा आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं, ये छोले 4 से 6 घंटे पहले मैंने जो फुलाया था वो भी फूल चुकी है। और जब मैं इसे पानी में भिगोया था तो उस वक्त ही बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा, जिसके कारण ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। जो भी फूल गए हैं आप देख रहे होंगे। इसके साथ जो है आप ये देख रहे होंगे पेस्ट, जैसे मैंने दिया है अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, ये 4 कप मिला हुआ पेस्ट है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगा, आप देख रहे होंगे, हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है और ये गोलकी पाउडर है और ये तेज़पत्ता भी मैं डालूँगा। और मैं यूज़ करूँगा इसमें हींग भी यूज़ करूँगा और बेकिंग पाउडर भी यूज़ करूँगा। तो चलते हैं छोला बनाने के लिए। तो ये सरसों तेल चला गया, तेल हमारी गर्म हो चुकी है। ये किया हमारा जीरा, ये किया तेजपत्ता, हमारा जीरा पक गया है। अब इसमें डालूंगा मैं वो पेस्ट अदरक लहसुन वाली। हमारी प्याज पक चुकी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, इसमें मैंने पहले ही बताया था हल्दी, मिर्चा, धनी और गोलकी है। अब मैं सारे मसाले को मिलाऊंगा। और भी चाय नहीं, इसमें मैं डालूँगा चाय की पत्ती की पानी भी, तो चाय की पत्ती चाय बनाने की तरह। हमारे मसाले पक गए हैं, इस स्टेज पे ही मैं डालूँगा इसमें नमक। मैं यूज़ करता हूँ काला नमक, तो काला नमक मैंने डाल दिया और मिला देता हूँ। हमारे मसाले पक चुके हैं, चाली भर चली हुई है। अब मैं डाल रहा हूँ छोले, हमारे छोले छोड़े डालूंगा इसमें थोड़ी सी पानी। अब मैं डालूंगा इसमें थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर चला गया। और इधर हमारी चाय भी तैयार है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, बहुत मज़ेदार हो जाएगा।
ये चाय की पानी चलेगी। अब मैं क्या करूँगा, कम से कम जो है 7-8 सीटी लगाकर लगाने तक इंतज़ार करूँगा। ठीक है, सीधे बजने दीजिए, मैं भी इंतज़ार करूँगा जब तक ये 6-7 बार बज जाए। इसके बाद छोले हमारे तैयार हैं, छोले हमारे तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। अब इसमें सेक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, ये देखो मैं ये डाल रहा हूँ बटर। बटर के बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें हींग, और ये गए हमारे मसाले, छोले मसाले। अब ये जा रहे हैं हमारे आप देख रहे हैं हमारे हींग और ये मसाले पक गए, और ये जा रहे हैं छोले में। ट्राई करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इसे ज़रूर दोबारा भी बनाना चाहेंगे। थैंक यू।